यही चर्चा पर चर्चा। अब हम आपको दोस्तों इसका अंतिम पार्ट पे ले चलते हैं, और वो हमारा होता है दोस्तों, इसी का एक पार्ट है जो आपको रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल के रूप में जाना जाता है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। और रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब बस इतना सा है दोस्तों, आप देखिए कि यदि नाउन की संख्या दो क्यों ना हो, यदि आर्टिकल एक प्रयोग किया गया है तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, और यदि नाउन अकेला ही क्यों ना हो लेकिन आर्टिकल दो प्रयोग कर दिया गया है तो उसे प्लूरल माना जाएगा। यही ये रूल बताता है दोस्तों। जैसे देखिए, हमने कह दिया अ ब्लैक एंड व्हाइट एलिफेंट। अ ब्लैक एंड व्हाइट एलिफेंट दोस्तों, और दूसरा हमने लिख दिया अ ब्लैक, दूसरा क्या हो गया आपका, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट एलिफेंट। अ ब्लैक एंड व्हाइट एलिफेंट, और दूसरा हो गया अ ब्लैक एंड अ व्हाइट एलिफेंट। अब आप जैसा कि देख पा रहे हो, अ ब्लैक एंड व्हाइट एलिफेंट दोस्तों, ये नाउन एक है एलिफेंट, और ये नाउन है एलिफेंट। और जब एलिफेंट ये हैं आप देख रहे हो दोस्तों, तो जब आर्टिकल की संख्या एक है तो इसका मतलब हो गया कि एक ही हाथी है, हाथी की संख्या एक है, एक ही हाथी है जो काली भी है और सफेद है। हाथी की संख्या एक है, वही काली है और वही सफेद है दोस्तों, और इसका मतलब हो गया हाथी की संख्या दो, हाथी की संख्या दो हो गया दोस्तों, एक हो गया काली और दूसरी हो गई दोस्तों सफेद। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा, और ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि नाउन की संख्या दो हो गया। बिल्कुल सेम क्रम पे जैसे हमने कह दिया द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, और दूसरे में हमने लगा दिया आपको द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। दोस्तों इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहां पर प्रिंसिपल कम मैनेजर, व्यक्ति एक है, एक है वही प्रिंसिपल है वही मैनेजर है। आर्टिकल की संख्या एक तो एक ही व्यक्ति है, वही प्रिंसिपल वही मैनेजर है, और यहां प्रिंसिपल साहब कोई अलग है, मैनेजर साहब कोई अलग है। तो जब ये दो अलग अलग हो गए तो ये प्लूरल हो गया, जब दोनों एक हैं तो सिंगुलर हो गया, मतलब इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, और इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका प्लूरल आएगा दोस्तों। जैसे कई बार क्वेश्चन बना द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम होगा दोस्तों, यहां पर हैव कर देगा जो गलत होगा, एंड द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव कम होगा दोस्तों, यदि यहां पे हैज कर दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका एक क्रम है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल के रूप में जानते हैं दोस्तों, इसको भी दिमाग में रखना है, महत्वपूर्ण है। अब जो है अगले रूल पे चलते हैं और आर्टिकल फिनिश किया जाएगा, आप नो आर्टिकल पे चलते हैं, कहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल। दोस्तों नो आर्टिकल की जब बात करते हैं तो आपके सामने एक तुरंत कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हो, या तो ये कौन सा नाउन होगा, या तो ये मटेरियल नाउन होगा,
या तो ये मटेरियल नाउन होगा दोस्तों, और या तो ये क्या हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या तो ये मटेरियल नाउन होगा या तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और इन दोनों नाउन से पहले दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहचान के रूप में आपको हम बता दें कि मटेरियल नाउन वही होगा जिसकी दोस्तों यूनिट होगी, जिसकी कोई ना कोई क्या होगी इकाई होगी, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों वही होगा जिसमें सफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में किसी भी शब्द में आपको हुड दिख जाए, शिप दिख जाए, आर वाई दिख जाए, सी वाई, सी ई दिख जाए, आई ओ एन दिख जाए, टी एच दिख जाए, टी यू ई दिख जाए, डम दिख जाए। ये कुछ ऐसे प्रफिक्स हमने आपको सफिक्स बताए दोस्तों, नेक्स्ट दिख जाए, जो दोस्तों कहीं पर दिखे तो ये मान के चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए आप, हमने आपसे कह दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दोस्तों, तो यदि ऑनेस्टी से पहले हम द लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि वाई दिख जाए लास्ट में सफिक्स के रूप में, और वाई आपको दिख गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम कह दें कि द वर्चू इज ऑलवेज रिवार्डेड, द वर्चू इज ऑलवेज रिवार्डेड, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो ये द लगा दिया हमने वर्चू से पहले, इस द का प्रयोग नहीं होगा, वर्चू इज ऑलवेज रिवार्डेड होगा, क्योंकि वर्चू भी आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम कह दें कि द गोल्ड इज येलो, तो ये भी दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, और इसलिए इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। ऐसे अगले रूल पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रूल। अगला जो रूल है दोस्तों ये कहता है कि बिफोर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स कॉमा स्पोर्ट्स, खेलों के नाम से पहले कॉमा बीमारियों के नाम से पहले डिजीजेस, दोस्तों विषय के नाम से पहले विषय के नाम, खेल के नाम और बीमारियों के नाम। के नाम से पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत माना जाता है दोस्तों। अब इस क्रम में जो आप हो गया, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट्स है, स्पोर्ट्स है, डिजीजेज हैं दोस्तों। सब्जेक्ट्स यदि हम आपसे कह दें इंग्लिश, और कहीं पर दोस्तों आपको मिल जाए द इंग्लिश, तो अभी ये दोनों सही, इंग्लिश भी सही है, द इंग्लिश भी सही है। अंतर इतना है कि द इंग्लिश दोस्तों जब होगा तो इसका मतलब होता है द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लिश क्यों होगा दोस्तों तो इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट, लैंग्वेज, भाषा, विषय। और ये डिसीजन आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से लेना होगा दोस्तों। जब वो पीपल ऑफ इंग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहा होगा तो किसी भी ऐसे सब्जेक्ट द हिंदी, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन हो जाएगा, और द जर्मन द फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी लोग, नॉट सब्जेक्ट।
लेकिन जब वो सेंस सब्जेक्ट का दे रहा होगा दोस्तों और द लगाया गया होगा तो वहां से द आपको रिमूव करना होगा और ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का मैटर होगा। जैसे हम आपसे कह दें कि इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने कह दिया इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग विश्व के संपूर्ण देशों पे इंग्लिश ने राज किया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, क्या भाषा राज करेगी कि अंग्रेजी लोगों ने राज किया? तो अंग्रेज लोग राज किए दोस्तों, और अंग्रेज लोग का सेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? द इंग्लिश द लगाना होगा दोस्तों। लेकिन हम आपसे कह दें कि द इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज, तो अब यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहां पे अंग्रेजी भाषा की हम बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं और भाषा के सेंस में द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्पोर्ट्स, हम आपसे कह दें कि द हॉकी इज द नेशनल गेम इन इंडिया, तो दोस्तों खेल के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप जनरली बोल देते आई एम गोइंग टू प्ले द क्रिकेट, आई एम गोइंग टू प्ले द फुटबॉल, ये गलत होता है दोस्तों, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डिजीज दोस्तों, डिजीज में दोस्तों कुछ अपवाद हैं, उनको देख लीजिए, कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़ करके। अपवाद में जैसे आपका मीजल्स हो गया दोस्तों, आपका रिकेट्स हो गया, आपका मम्स हो गया और आपका फ्लू हो गया, या फियल यू फ्लू हो गया, ये जो दोस्तों चार बीमारियों के हमने नाम लिख दिए हैं ये अपवाद हैं दोस्तों, इनसे पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। ये अपवाद हो गए, एक्सेप्शन हो गए, इनके अलावा जितनी बीमारियां हैं उनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये विशेष पॉइंट है। जैसे हम आपसे कह दें कि he is suffering from the cholera, तो ये दोस्तों द का प्रयोग गलत है क्योंकि बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हम आपसे कह दें कि फ्लू इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, फ्लू इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, फ्लू इज अ इन्फेक्शियस डिजीज दोस्तों, तो ये तब तक गलत हो जाएगा जब तक आप फ्लू से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने आपको इस पॉइंट को क्लियर किया, एक महत्वपूर्ण पॉइंट था आपने देखा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल जो है दोस्तों ये कह रहा है कि कुछ वर्ब होती हैं, जैसे आपका इलेक्ट हो गया, आपका नॉमिनेट हो गया, आपका डिक्लेयर है, कंसीडर है, इलेक्ट है, नॉमिनेट है, डिक्लेयर है, कंसीडर है, इलेक्ट नॉमिनेट और डिक्लेयर कंसीडर अपॉइंट, ये क्रियाएं हैं, ये वर्ब्स हैं दोस्तों, और ये ऐसी क्रियाएं हैं, इन्हीं सब नहीं, यही जो पांच हमने लिखा था, ये पांच ऐसी क्रियाएं हैं दोस्तों जिनके बाद डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग इनके बाद आने वाले नाउन से पहले नहीं किया जाता। रूल को समझिएगा, इनके बाद जो भी नाउन आएगा इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो हमने क्रियाएं लिख दिया, ये विशेष पॉइंट है। इस पर कई विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ दोस्तों, ये सबसे टफेस्ट पॉइंट माना जाता है। जैसे हमने कह दिया कि ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल दोस्तों, तो द का प्रयोग यहां पर क्या हो गया? गलत, क्योंकि अपॉइंट के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये विशेष पॉइंट है, आप इस पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। अगले रूल पे चलते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों आर्टिकल का, और ये है दोस्तों नेक्स्ट रूल है जो भी होगा वो ये है कि कुछ शब्द होते हैं दोस्तों उसमें आपका स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, टेंपल है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, चर्च है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, जेल, प्रिजन। दोस्तों एक बार जी ए ओ एल का सिनोनिम पूछा गया है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों। जब जी ओ ए एल होता है तो इसका मतलब लक्ष्य होता है, और जब जी ए ओ एल होता है तो इसका मतलब प्रिजन होता है, जेल होता है, कैद होता है। ये विशेष पॉइंट है। तो ये जितना हमने दोस्तों लिख दिए ये आपके कुछ ऐसे नाउंस हैं, यदि इनका प्रयोग इनके प्राइमरी पर्पज प्राथमिक उद्देश्य या नीतिगत उद्देश्य या मौलिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा प्रयोग, मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों यदि इनका प्रयोग किसी द्वितीयक उद्देश्य पर्पज के लिए हो तो इनसे पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, कहने का मतलब क्या है थोड़ा समझिए इसको। ये पॉइंट यही कह रहा है दोस्तों, जैसे हम आपसे कह दें कि आई एम गोइंग टू सी वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन हॉस्पिटल। तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ जो फ्रेंड्स है ये तिवारी टाइप का थर्ड क्लास का जो फ्रेंड है यहाँ पे, ये सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। और जब सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा दोस्तों तो जो ये हॉस्पिटल है इससे पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। लेकिन यही चीज़ ऐसा होता कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर माई प्रॉपर चेकअप, तो दोस्तों यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ये प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया गया है। हम कह रहे हैं कि माई पेरेंट्स यूज्ड टू गो द टेम्पल एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो द टेम्पल का प्रयोग किया गया गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया गया है।
लेकिन पुलिस दोस्तों मंदिर में जाए, द पुलिस वेंट टू टेम्पल फॉर मेंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यही टेम्पल सेकेंडरी हो जाएगा और उससे पहले द का प्रयोग कर दिया जाएगा दोस्तों, द पुलिस वेंट टू द टेम्पल फॉर मेंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण है, इसमें जो इस मंदिर है, मंदिर में आप दर्शन करने जाओ तो ये प्राइमरी हुआ, और मंदिर में थर्ड क्लास की तरह तिवारी जी की तरह आप लंगर खाने चले जाओ, या लंगर की व्यवस्था है, पेट पकड़ के चले गए तिवारी जी, वहां पे बैठे हैं एक घंटे से, तो ये कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी पर्पज हो गया। आप सगाई के लिए लड़की देखने मंदिर में चले जाओ, ये क्या हो गया, सेकेंडरी पर्पज हो गया ना। तो प्राइमरी पर्पज गए आप, हनुमान जी से मिले, अपनी बात रख के चले आए, और इसके अलावा जो भी एक्टिविटी आप करते हैं सब सेकेंडरी पर्पज, और ऐसी स्थितियों में उससे पहले द का प्रयोग अवश्य। अब जेल है दोस्तों, अब जेल है, और जेल में दौरा आपके मुख्यमंत्री करें, आपके मिनिस्टर्स करें, तो ये सेकेंडरी पर्पज। लेकिन आपने कोई क्राइम किया और उसके लिए आपको सजा हो गई, तो आपका ये प्राइमरी पर्पज। तो प्राइमरी पर्पज तो द का प्रयोग नहीं होगा, सेकेंडरी पर्पज तो द का प्रयोग होगा दोस्तों। कुछ प्रैक्टिस के साथ और नए टॉपिक के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, विल सी यू।